नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मनाली के बारे में कि मनाली हमको कैसे जाना है, वहाँ क्या क्या देखने को है या वहाँ कैसे रहना है, किन लोगों से बचना है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हमें बताइए कि जैसे हम लोग गोरखपुर से अगर जाना चाहें तो रास्ता कौन सा हमें चूज करना चाहिए, कैसे जाना है? अगर आप गोरखपुर से जा रहे हैं हाँ तो गोरखपुर से पहले आपको लखनऊ जाना है अच्छा, और लखनऊ से हाँ आगरा होके नोएडा, अच्छा, मेरा जो गया हुआ रास्ता है हाँ वो यही है कि मैं यहाँ से निकला हाँ और आगरा गया। मेरे हाँ पास समय था तो मैं आगरा भी घूम लिया एक दिन, हाँ क्योंकि हाँ अब उसी रास्ते जा रहे हैं तो बिल्कुल अब बिल्कुल। आगरा छोड़ दें फिर, या तो आने में कवर करें। नहीं, अगर आप ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ही निकल रहे हैं तो आगरा भी रास्ते में पड़ता है दोस्तों, अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक दिन का आप वहाँ पे आराम से ट्रिप कर आगरा, सकते हाँ हैं। आगरा घूम लिए। अगले दिन सुबह हम निकले हाँ और जो ये नोएडा जाने के लिए एक एक्सप्रेसवे है उसका हाँ नाम है हाँ हाँ यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा गए हाँ और नोएडा से एक नया एक्सप्रेसवे बना है जो अच्छा हमको अच्छा मुरथल लेके जाता है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की हाँ बात कर रहे हैं आप? पेरिफेरल हाँ हाँ एक्सप्रेसवे, हाँ उससे आप मुरथल जाइए। जी मुरथल में ढेर सारे फेमस ढाबा हैं, जैसे हाँ आमरिक सुखदेव है, हाँ एक धर्मेंद्र जी का ढाबा है हाँ उसका धर्म नाम है गरम या नरम गरम ऐसा कुछ गरम ना, धर्म, गरम धर्म। गरम हाँ धर्म। आप वहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए हाँ और वहाँ से हमको जाना है चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ जाने के लिए सोनीपत पानीपत करनाल होके हाँ जाना है, उसमें एक कुरुक्षेत्र जगह पड़ता है हाँ हाँ तो आप सभी कुरुक्षेत्र, लोग जानते होंगे, ये कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक का जगह है। ऐतिहासिक महत्व हाँ है अपना और और वहाँ भी टूरिस्ट घूम सकते हैं। वहाँ पे भी वहाँ घूम घूमने के सकते लिए जैसे आपको दिन उन ज़्यादा 2-3 घंटा का समय लीजिए, हैं। हाँ जो दिन में ही आप घूम सकते हैं, दिन में अच्छा। घूम लीजिए, चंडीगढ़ पहुँच जाइए। अपने हिसाब से अगर आप चंडीगढ़ स्टे करना चाहते हैं तो स्टे कर लीजिए, हाँ क्योंकि अब चंडीगढ़ से दूरी लगभग 250 किलोमीटर का होगा दूरी। तो अच्छा, लमसम रफली ढाई हाँ, सौ 200 जो भी हो। जो भी हो। हाँ और वहाँ से हाँ हमें बिलासपुर जाना है और अच्छा, बिलासपुर से मंडी होके कुल्लू कुल्लू और कुल्लू से फिर मनाली मनाली। आ ही जाता है। हाँ तो हाँ मनाली भी देखिए, ये भी एक पहाड़ों का ही एरिया है, हाँ बिल्कुल तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आप कभी भी कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं हाँ तो आप अपने कार का रखने का जो होटल हो, जहाँ पार्किंग बिल्कुल सुविधा बिल्कुल हो, हाँ वहीं पे आप अपने लिए प्रेफर रूम लें। करें। हाँ ताकि आप गाड़ी रोड पे कहीं भी तो लगा के आप रह नहीं सकते हैं, नहीं, तो इसलिए आप अगर ऑनलाइन बुक कर लें तो हाँ पार्किंग आप फ़ोन करके बात वही कर मेरा लें। अगला सवाल होने वाला था भैया कि होटल वगैरह कैसे होगा वहाँ पे जाने के बाद, या फिर नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन भी सर्विसेज? कर लीजिए और अच्छा जाने के अच्छा बाद भी, हाँ हाँ जाने के बाद जैसे आप किसी से संपर्क कर लिए कि आप किस होटल में रुके थे, वहाँ क्या है, अगर वैसे नहीं होता है तो ये हाँ सब वीडियो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आप वहाँ जाके और परेशान ना हो। हाँ तो आपके पास अगर कार है हाँ तो कार है तो आप कोशिश करें हाँ कि हम ऑनलाइन बुक कर लें, और ऑनलाइन हाँ अगर आप बुक कर रहे हैं हाँ तो आप उस होटल को गूगल में सर्च करके नंबर लेके उनको फ़ोन कर लें हाँ और उनसे पूछ लें कि हमारे पास आई कार है और कार का पार्किंग आपके पास है कि नहीं, बिल्कुल, तभी आप वहाँ जाएं। ये बिल्कुल हाँ एक्सपीरियंस की हुई बातें आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताई जा रही हैं, नहीं कोई हम लोग जो भी तथाकथित बातें बातें नहीं है बोलेंगे यहाँ वो पे। एकदम सही सही और बोलेंगे, उसमें हाँ ये नहीं है कि हम झूठ मूठ का आपको फंसा नहीं दें नहीं आप वीडियो क्लिप्स ऐसा। वगैरह अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे भैया, बाकायदा जाके वहाँ 4-5 दिन का स्टे आपने किया था भैया, हाँ किए थे। अच्छा खासा वहाँ भ्रमण करके आ चुके हैं, और फिर भी जल्दी ही जाने वाले भी हैं, कुछ टाइम बाद आपको ब्लॉग वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों जी उसके लिए। उसमें हम दिखा भी देंगे कि आप हाँ अगर आ रहे हैं तो किस होटल में आप रुकिए हाँ हाँ और वहाँ रुकने में क्या क्या सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, हाँ उस हिसाब से आप करिए। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो जो तुरंत जाने वाले लोग हैं, अगर जी वो लोग देख के जाते हैं तो हाँ उन लोगों को काफ़ी जैसे वहाँ जाने के बाद जो हाँ परेशानी हाँ है हाँ उससे बच सकते हैं। अच्छा भैया, अब मनाली मान लीजिए हमारे बताए हुए रास्ते से पहुंच गया कोई व्यक्ति, और वहाँ पे अब उसे घूमने की कुछ जगह है हमें जो आपने भी विजिट की और अच्छी लगी वो शेयर किया जाए। देखिए मनाली आप अगर पहुंच गए तो हाँ मनाली में सबसे तो पहला घूमने का जो जगह है वो हाँ माल रोड है, अच्छा, और माल रोड के बाद आप बाहर जो घूमना चाहते हैं हाँ उसमें हिडिंबा टेम्पल है, मनु हाँ टेम्पल है हाँ हाँ और सोलांग वैली है, जो अच्छा सोलांग वैली बहुत ही फेमस है। जब आप ठंडियों के दिन में जाते हैं जैसे दिसंबर से लेकर मार्च उर्च तक,
तो वहाँ पूरा बर्फ से एकदम भरा रहता है। अच्छा अच्छा और बहुत बड़ा एक फील्ड है, वो पूरा बर्फ से भरा रहता है। अभी तो वहाँ गर्मी है तो बर्फ नहीं होगा, बर्फ नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो जाने के लिए ठंडी का सबसे मेन जगह वही होता है। जैसे स्नोफॉल अगर देखना हो तो कब जाना चाहिए? स्नोफॉल देखना है तो आप जनवरी में जाइए, फर्स्ट वीक में। हाँ। और जनवरी फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होता है। और भी अब कोई वैली बता रहे थे आप, सोलांग वैली तो बताया आपने। हाँ। हिडिंबा टेम्पल बताया, मनु टेम्पल बताया, रोहतांग बताया, रोहतांग नहीं बताया था, रोहतांग। एक वहाँ भृगु लेक है, अच्छा वो भी मतलब घूम सकते हैं। और इस टाइप के बहुत सारे जगह वहाँ हैं। हाँ। और अगर आप इस समय जाते हैं तो आपको सेब के बागान में सेब देखने को मिलेगा। हाँ। और अगर आप स्नोफॉल के टाइम जाएंगे तो वहाँ पे सेब के बागान में सेब नहीं दिखेगा, पूरा पेड़ लगेगा कि सूखा हुआ है, जैसे अच्छा, आप वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, हाँ, या ये फोटो में भी देख सकते हैं। अच्छा भैया, वहाँ पे जैसे अगर कोई जा रहा है तो अब वहाँ घूमने उमने के लिए अगर जनवरी वगैरह में जा रहा है तो काफी ठंड रहती है। हाँ, माइनस में रहता है। तो कपड़े वगैरह थोड़ा सा एक बार कई लेयर रख लें ऐसा। हाँ, कई लेयर कपड़े रख लें, जैसे आप इनर रखें, सबसे मेन है इनर जरूर रखें बढ़िया। और इनर रहे, दो तीन इनर आप पहन लीजिए, उसके बाद ये जैकेट वैकेट जो भी डालना है तो इनर बहुत जरूरी है वहाँ अगर जा रहे हैं तो। कैप आपको दो रखना चाहिए, लगाने के लिए दो, आप अपने साथ जितना कैरी कर सकते हैं रखें, लेकिन एक बार में दो कैप लगाएंगे तभी। अच्छा, उस डबल कैप पहनना पड़ता है, डबल लगाइए। अच्छा। सॉक्स डबल रखना होगा, स्पोर्ट्स शूज तो बिल्कुल ना लेके जाएं। अच्छा। अगर आप बर्फबारी के समय जा रहे हैं क्योंकि उसमें जो लगा रहता है कॉटन वॉटन ये सब स्नो से गीला हो जाता है, गीला हो जाता है और इतना ज्यादा आपका अंदर से वो पैर जो कोल्ड हो जाता है कि आप चल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि कोई जो लेदर से बना हुआ शूज हो, स्नो बूट वहाँ अवेलेबल भी है, आप मॉल रोड से ले सकते हैं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स शूज पहन के आप वहाँ बर्फ पे ना जाएं, ये जरूर ध्यान रखें। काफी कुछ हो गया, और भी कोई सावधानियां वगैरह गाड़ी वगैरह को लेकर सुरक्षा? देखिए वहाँ अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं बर्फ में तो होटल वाले आपके साथ थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी खड़े खड़े दो तीन दिन अगर बर्फ से ढक गई तो वो लोग उस बर्फ को हटाने के लिए आपसे जैसे मुंह मांगा पैसा लेते हैं कि जितना मांग दें आपको 5,000-10,000 तक बोल देते हैं। अच्छा। तो ये सब, हाँ ये सब सावधानी। तो ऐसा कुछ ट्रिक है क्या भैया जिससे कि वो बर्फ, अगर आप 4-5 लोग हैं हाँ। तो आप ये कोशिश करें कि आप जैसे आज गाड़ी यहाँ खड़ी है हाँ। तो अगले दिन गाड़ी का जगह चेंज करा लें। अच्छा। अगर बर्फबारी नहीं हुआ है जी, तो अगर हो गया है तो जो ड्राइवर लेके गया है जी, वो बर्फ जब गिर रहा है ना तो उसी टाइम वो देख ले कि जो भी बर्फ है उसको अपने गाड़ी के सामने से हटा दे पैर से, तो वो अगले दिन जमेगी नहीं। हाँ, अगर वो जम गई दो तीन दिन का बर्फ एक ही जगह तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ लीजिए कि आपके गाड़ी के आगे और पीछे एक दीवार खड़ी हो गई है, तो उसको निकालने के हाँ उसके लिए तो फिर वही फावड़ा लाएंगे और निकालेंगे, तो ये सब परेशानी है। ये सब प्रैक्टिकल जो बातें हैं दोस्तों, ये और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, तो इन पे ध्यान दें। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है इसलिए हम लोग इस चीज को चाहते हैं कि अगला कोई भी जाए तो इस वीडियो को देख के जाएगा तो उसको ये सब तो तकलीफ नहीं होगा कि वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमको इतनी सारी दिक्कतें आए। तो दोस्तों इसका आप जरूर ध्यान रखें। और भैया ट्रिप तो गए हम, वहाँ सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ खाने वाने का कुछ स्पेशल है क्या वहाँ? खाने का स्पेशल जैसे अगर आप अभी जाते हैं हाँ, तो अभी तो नॉर्मल खाने का जो भी है वो मिलेगा हाँ, बाकी वहाँ मॉल रोड पे हाँ, बहुत सारी दुकानें स्ट्रीट फूड हैं हाँ, आप ले सकते हैं। तो नॉर्मल यही मोमो नूडल्स वगैरह ये सब है हाँ, नहीं वहाँ गर्म गुलाब जामुन छोटा छोटा देते हैं जो हमें लगता है स्पेशली वहीं मिलता है वहाँ का कुछ। हाँ, बहुत छोटा छोटा गुलाब जामुन होता है और वो लोग देते हैं, एकदम गर्म रहता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटा वाला गुलाब जामुन भी आप जरूर ट्राई करें, ट्राई करें, रिकमेंडेड। दोस्तों इतना ही था, काफ़ी कुछ मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।